एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। आप जो चेंजेस रेकमेंड करती हूँ मैं, प्लीज कीजिए। अगर आपने सिग्नेचर में अपना पूरा नाम डाला है, दैट मीन्स आप अपना ध्यान रखते हैं, अपने लाइक्स डिसलाइक्स, अपने चॉइसेस, आप ओपिनियटेड हो, मतलब आप अपनी दृष्टिकोण हमेशा दुनिया को बताते हो। अगर आपने पहला अक्षर सिर्फ डाला है, दैट मीन्स आप गिवर, एडजस्टिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, सैक्रिफाइसिंग हो, सबॉर्डिनेट हो। खुद की पहचान ना बना पाना, क्योंकि आपका नाम आपके सिग्नेचर में नहीं है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना पूरा नाम अपने सिग्नेचर में ज़रूर डालें। इसी तरह ऑब्जर्व कीजिए कि अगर आपने अपना सरनेम डाला है, कई लोग पूरा सरनेम डालते हैं, कई लोग शॉर्ट फॉर्म डालते हैं। अगर आपने पूरा सरनेम लिखा है, मतलब आप करियर माइंडेड हो, आप फैमिली ओरिएंटेड हो। कई लोग पहले अपना सरनेम डालते हैं फिर नाम डालते हैं, उनके लिए खानदान का नाम ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट होता है। जो असल में सिग्नेचर होना चाहिए वो है पूरा नाम और पूरा सरनेम, क्योंकि हम अपने परिवार और काम के बगैर अधूरे हैं अगर हमारा सिग्नेचर में सरनेम ना हो। कई बार सरनेम लोग नहीं डालते, इसका मतलब कि करियर ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा हो। तो सरनेम ज़रूर डालें, स्पेशली वो लोग जो करियर माइंडेड हैं। तो नाम और सरनेम दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर सिग्नेचर में। अब इसकी डायरेक्शन जो हम डालते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ हो। सिग्नेचर में फर्स्ट अल्फाबेट और सेकंड अल्फाबेट को ज्वाइन करना चाहिए। फर्स्ट अल्फाबेट हम खुद हैं, सेकंड हमारे स्पाउस हैं या पेरेंट्स हैं। इफ़ यू आर मैरिड देन योर स्पाउस, इफ़ यू आर अनमैरिड देन योर पेरेंट। हस्बैंड वाइफ में अगर डिस्टेंस होता है तो वो गैप को हम ज्वाइन करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड अल्फाबेट ज्वाइन करके। पर ये अल्फाबेट्स को ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग से क्या होता है, खुद की पहचान नहीं बनती एंड अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी तरह के लड़ाई झगड़े या कोई डिस्टर्बेंस या किसी भी तरह से मनमुटाव होता है फैमिली में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, अगर सिग्नेचर्स में फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट ओवरलैपिंग हो। तो उसे क्लीन, क्लियर और आसानी से कनेक्टेड रखें। बेसिकली सिग्नेचर दो तरह के ही होते हैं, एक जो हम आसानी से रीड कर सकते हैं और एक जो हमें समझ ही नहीं आता। तो लोग भी इसी तरह होते हैं। जो लोग सिंपल क्लीन सिग्नेचर डालते हैं तो उनका नेचर भी वैसा होता है, दे आर क्लीन, क्लियर, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, उनका हर एक अक्षर आसानी से दिखता है। तो वो लोग भी ऐसे होते हैं, उनका नेचर भी सिंपल होता है। और जो लोग गोल सिग्नेचर्स करते हैं या कोई अक्षर समझ नहीं आता या स्क्रिबल करते हैं, तो वो लोग बहुत या तो कंफ्यूज्ड या बहुत सीक्रेटिव या बहुत ज़्यादा VIP इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। तो हम कई बारी इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये इंसान कैसा है, तो वो अनप्रिडिक्टेबल, अनकन्वेंशनल होता है। तो अगर हमें सिग्नेचर सिंपल मिले तो लोग वैसे हैं, और अगर हमें कन्फ्यूजिंग मिले तो लोग भी वैसे हैं। अब ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे सिग्नेचर्स की वेरिएंट्स, मतलब हमारे अल्फाबेट्स किस दिशा में जाते हैं। जिनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है तो वो लोग बहुत इंटेलिजेंट एंड स्पिरिचुअल होते हैं। जो अल्फाबेट्स आपके नीचे खींचे जाते हैं, जहाँ पे YFG आप नीचे लेते हो, तो वो लोग बहुत मटीरियलिस्टिक होते हैं। बट जिनके बीच की अल्फाबेट्स बैलेंस्ड होते हैं, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, तो वो लोग भी मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल बैलेंस कर पाते हैं। ऑब्जर्व कीजिए कि आपके वर्डिंग्स या अल्फाबेट्स किस दिशा में जा रहे हैं, ऊपर या नीचे, तो आप अपने आप को बेटर एनालाइज कर सकते हैं। फेडिंग इन एंड फेडिंग आउट। कई सिग्नेचर्स बहुत प्रेशर से नीटली स्टार्ट होते हैं बट एंड में वो टेपर ऑफ हो जाते हैं, या कई सिग्नेचर्स लाइटली स्टार्ट होते हैं बट एंड में हैवी हो जाते हैं। तो ऑब्जर्व करो कि ये फेड इन या फेड आउट हो रहे हैं। तो जिन सिग्नेचर्स में आप ऑब्जर्व करते हैं कि लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं बट एंड नहीं करते, तो वो हर कार्य हाथ में जो लेते हैं वो जुनून से शुरू करते हैं, एंथुसियाज्म से शुरू करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कंप्लीट कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं या वो काम अधूरा छोड़ते हैं। कई लोग लो एनर्जी से शुरू करते हैं बट स्लोली स्लोली ग्रेजुअली करके अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो ये भी हमें सिग्नेचर में पता चलता है।
अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon फायर स्टिक पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, एयरटेल DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।